हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आज हम जे मेन का कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। ए पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन, लाइन गिवन है बेटा 2x - 3y + 4 = 0। इफ क्यू एंड आर फिक्स्ड पॉइंट्स बेटा, दो पॉइंट्स फिक्स्ड हैं, देन द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर हमें बेटा फाइंड आउट। देखो बेटा, पी पॉइंट गिवन है बेटा, पॉइंट पी गिवन है, पॉइंट पी लाइज ऑन दिस लाइन है बेटा, पॉइंट पी इस लाइन पे लाई करेगा, लाइन गिवन है बेटा 2x - 3y + 4 = 0। बेटा पॉइंट पी इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, एंड क्यू एंड आर पॉइंट्स गिवन है बेटा, क्यू पॉइंट है 1, 4 एंड बेटा आर पॉइंट है 3, -2। बेटा क्यू पॉइंट पता है 1, 4, आर पॉइंट पता है 3, -2 आर द फिक्स्ड पॉइंट्स, देन द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। बेटा लोकस फाइंड आउट करना है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का। बेटा ये पॉइंट गिवन नहीं है, ए कॉमा बी लेट करो। बेटा सेंट्रोइड का लोकस फाइंड आउट करना है, नोटेशन फॉर सेंट्रोइड बेटा हम यूज करते हैं जी, एंड बेटा लोकस फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंट अज्यूम करते हैं एच कॉमा के। बेटा लोकस फाइंड आउट करने के लिए एच कॉमा के पॉइंट फाइंड। नाउ बेटा फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है, P point moves on this line, बेटा P point मतलब A comma B lies on this line है बेटा, A comma B lies on line 2x - 3y + 4 = 0। बेटा अगर lie करेगा, it means equation satisfy करेगा बेटा A and B point 2a - 3b + 4 = 0। बेटा इस equation में satisfy करेंगे ये points, 2a - 3b + 4 = 0। क्लियर है बेटा पॉइंट्स। नाउ सेकंड टर्म बेटा, बेटा जो सेंट्रोइड, बेटा सेंट्रोइड किस तरह फाइंड आउट करते हैं, h कॉमा k के इक्वल आएंगे सेंट्रोइड पॉइंट, h कॉमा k इज इक्वल टू सेंट्रोइड पॉइंट। सेंट्रोइड आ जाएगा बेटा a प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3 कॉमा, नेक्स्ट आ जाएगा पॉइंट b +4 - 2/3। क्लियर है बेटा। बेटा आप इस इक्वेशन को लिख पाओगे, इस इक्वेशन में लिखोगे बेटा आप एच कॉमा के इज इक्वल टू ए प्लस 4/3 कॉमा बी प्लस 2/3 बी प्लस 2/3। बेटा इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करनी है, मतलब इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच के फाइंड आउट, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच के फाइंड आउट करनी है, मींस बेटा आप इस टर्म से वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी फाइंड आउट करो। बेटा वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी इस पॉइंट से, अगर फर्स्ट टर्म इक्वेट करोगे बेटा, वैल्यू ऑफ ए बेटा ए प्लस 4/3 इज इक्वल टू एच है बेटा, वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी बेटा 3h - 4, वैल्यू ऑफ ए बन जाएगी बेटा 3h - 4 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस। सिमिलरली बेटा सेकेंड टर्म इक्वेट करोगे बी प्लस 2 b + 2/3 इज इक्वल टू k है बेटा, बेटा वैल्यू ऑफ b 3k - 2 बेटा दिस टर्म इज योर वैल्यू ऑफ b, बेटा a भी आ जाएगा एंड b भी आ जाएगा। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है फॉर लोकस, लोकस मतलब इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ hk, बेटा a b रिक्वायर्ड नहीं है, a b एलिमिनेट करो, मींस बेटा इस इक्वेशन में पुट करो, पुट करो बेटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में करोगे बेटा, पुट इन फर्स्ट पुट करोगे अगर टर्म, देखो बेटा ए बी पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करो, पुट करोगे बेटा 2 × a पॉइंट, ए पॉइंट आ गया बेटा 3h - 4 प्लस माइनस 3, बी वैल्यू हो जाएगी बेटा 3k - 2, 3k - 2 प्लस 4 = 0, प्लस 4 = 0 बेटा आप इसे सिंप्लीफाई करोगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 6h - 8 - 9k + 6 + 4 = 0। बेटा 6h - 9k + 10 - 8 = 2 = 0, 6h - 9k + 2 = 0। बेटा फॉर लोकस इक्वेशन बेटा आप इस टर्म को रिप्लेस करोगे, रिप्लेस करो बेटा h कॉमा k बाय x कॉमा y, बेटा रिप्लेस करो h कॉमा k बाय x बाय y, मींस हमारी इक्वेशन बन जाएगी बेटा
अगर आप रिप्लेस करोगे एच के बाय एक्स वाई, सिक्स एक्स माइनस नाइन वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सिक्स एक्स माइनस नाइन वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो बेटा इक्वेशन ऑफ लोकस आ जाएगी। बेटा इक्वेशन के मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बेटा नहीं है इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है। नाउ बेटा स्लोप फाइंड आउट करो, स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। बेटा स्लोप अगर आपको फाइंड आउट करनी है देन स्लोप मीन्स कॉफिशियंट ऑफ एक्स, बेटा स्लोप होगी माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ वाई, माइनस टर्म कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ वाई, माइनस बाहर होगा बेटा। नाउ बेटा स्लोप क्या आ जाएगी आपके पास, एम, बेटा जो एम है आपके पास आ जाएगा कॉफिशियंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स सिक्स होल डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ वाई माइनस नाइन। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, हमारी स्लोप आ जाएगी बेटा टू बाय थ्री, बेटा स्लोप हो जाएगी टू अपॉन थ्री, एम आ गया बेटा टू बाय थ्री, मीन्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है बेटा ऑप्शन डायरेक्ट स्लोप एम टू बाय थ्री, एम बेटा टू बाय थ्री है अगर आपके पास, ऑप्शन डी बेटा हमारा फाइनल आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी बेटा फाइनल। थैंक यू स्टूडेंट।